डबल इंजन की सरकार का भी अभिनंदन करूंगा कि पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करके उसकी कमर को तोड़ने का कार्य भी कर्नाटक के अंदर हुआ है। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण या भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है, लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार ही सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, ये डबल इंजन की सरकार ही समृद्धि की गारंटी दे सकती है, ये डबल इंजन की सरकार ही हम सबको एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ जोड़ करके श्री राम और श्री हनुमान जी की मित्रता के उस बंधन को मजबूती प्रदान कर सकती है, और उसी सामर्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं अपील करने के लिए आया हूं। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक टीम इंडिया के रूप में कार्य कर रही है, टीम इंडिया के कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व मिल रहा है, और एक कर्नाटक को चाहिए कि टीम इंडिया में हमारे कितने प्लेयर शामिल हो यह कर्नाटक की टीम को तय करना है, कर्नाटक की जनता को तय करना है। जितने अधिक प्लेयर होंगे, जितने अधिक सीट भाजपा के पक्ष में जाएगी, टीम इंडिया में उतना ही सशक्त नेतृत्व भी मिलेगा, और टीम इंडिया उतनी मजबूती के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में कार्य करेगी। कांग्रेस का फेल्ड इंजन भारत को त्रासदी की ओर लेके जाता है, लेकिन डबल इंजन की भाजपा की सरकार हमें सुरक्षा और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य करती है, और उस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत जिस सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ रहा है, एक टीम इंडिया के रूप में, एक कैप्टन के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। उस भाइयों बहनों, मांडिया अपनी समृद्धि के लिए विख्यात था, धन धान्य के लिए समृद्ध था, कृषि के लिए वानिकी के लिए विख्यात था, फिर से मांडिया के इस गौरव को पुनर्स्थापित करना है, कर्नाटक के इस गौरव को फिर से स्थापित करना है, कर्नाटक विकास की दूरी के साथ देश को जिस प्रकार से एक स्पीड देता है, उस स्पीड के साथ हम सब जुड़ करके कार्य करेंगे। और अंत में मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, आप यहां पर डबल इंजन की सरकार फिर से लाने में मदद करिए, और मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आपने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान किया था, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनवरी 2024 में मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से मंदिर का रामलीला विराजमान अपने भव्य मंदिर में होंगे। 500 वर्षों में पहली बार होगा जब प्रभु राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होंगे। भाइयों बहनों, हर भारतवासी के लिए ये गौरव की बात होगी, और मैं आप सभी बजरंगबली के अनुयायियों को आमंत्रित करने के लिए आया हूं, प्रभु राम के मंदिर में रामलला के विराजमान होने के शुभ अवसर पर मैं आपके स्वागत की उत्सुकता से वहां तैयारी कर रहा हूं। मित्रों, डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य ही है आप विकास
हरेक स्तर पर देखने को मिलता है। हरेक स्तर पर हमें डेवलपमेंट के कार्य देखने को मिलते हैं। हम पुष्टिकरण नहीं, हम सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। हमने किसान की कनेक्टिविटी और किसान की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने का कार्य किया है। आज युवाओं के लिए न केवल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने बेहतरीन कार्य किया है, चाहे यहां पर येदियुरप्पा जी रहे हो, चाहे वर्तमान में बोम्मई जी के नेतृत्व में हो रहे कार्य हो, कर्नाटक के अंदर तेजी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मजबूती के साथ उतारने वाले राज्यों में कर्नाटक एक राज्य है जिसने सबसे पहले से लागू करने का कार्य किया है। ये यूथ के लिए कंटेन भी देता है, यूथ को अनेक कार्यक्रमों के साथ भी जोड़ता है, यूथ को टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ता है और यूथ को एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। और मैं अभिनंदन करूंगा कर्नाटक गवर्नमेंट का, जिन्होंने समय से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करके आज कर्नाटक के युवाओं के लिए ढेर सारे अवसर उपलब्ध करवाए हैं। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का संबंध आज से नहीं, त्रेता युग से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंग बली हनुमान जी मिले थे, इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। और इसीलिए आप देखते होंगे ये मित्रता कितनी अभिन्न है, कितनी अभिन्न मित्रता है। और ये भक्त और स्वामी का संबंध किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, दुनिया में जहां कहीं भी भगवान राम का मंदिर होगा वहां हनुमान जी का मंदिर जरूर होगा। और ये संबंधों की व्यवस्था केवल वहीं से नहीं, मैंने यहां पर पहले कहा कि आदि चुनचुनगिरी मठ यहां पर स्थित है, भैरेश्वर स्वामी जी महाराज वहां पर विराजमान हैं, मंजुनाथम ही गोरक्षम, भगवान मंजुनाथ और भैरेश्वर एक साथ यहां पर प्रकट होते हैं। कर्नाटक वही धरती है और उतना ही पुराना संबंध यह उत्तर प्रदेश और कर्नाटक का है। और इसीलिए जब मैं यहां पर आता हूं तो एक आत्मीयता का भाव मेरे मन में पैदा होता है। और कर्नाटक के आप सभी युवा मित्रों के साथ, यहां के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाने में, उनसे मिलने में मुझे उतनी ही प्रसन्नता होती है।